नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बना रहे हैं बिना दूध के, आप देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया मावा घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो भी बिना कढ़ाई में डाले। और आप मावा आसानी पे घर पे तैयार कर सकते हो। तो देखिए, ये है तैयार मावा। इस तरह से हम इसको प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया मावा बिना कढ़ाई के तैयार हो सकता है। तो ये इंस्टेंट मावा है, इसे आप किसी भी मिठाई में यूज कर सकते हो। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इजीली से हम कुकर में मावा तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मावा बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर, और ये अमूल का फीस मिल्क पाउडर है, और ये लगभग यहाँ पे 150 ग्राम है। और आप इस तरह से देख सकते हो, इस तरह का अमूल का जो दूध आता है, मिल्क पाउडर आता है इस तरह से डब्बे में, 500 ग्राम आता है, और इसमें से मैंने यहाँ पे 150 ग्राम ले लिया है। इसको हम इसके अंदर बाउल के अंदर डाल देंगे। अब मैंने ये यहाँ पे लिया है दूध, तो अब ये मिल्क पाउडर डाल दिया मैंने बाउल के अंदर। यहाँ पे मैंने लिया है ये दूध, यह है 4 छोटी चम्मच दूध। मैं आपको चम्मच बता देती हूँ, इस चम्मच से 4 चम्मच दूध है। तो अब हम ये थोड़ा थोड़ा करके दूध इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैसे हम आटा सानते हैं ना, वैसे ही हमको इसको सान लेना है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से सान लें। डो हमारा ना गीला होना चाहिए और ना ही टाइट सा होना चाहिए बिल्कुल। तो ये 4 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अच्छे से आप इस तरह से चम्मच की सहायता से और बिल्कुल आराम से इसको मिक्स कर सकते हैं। जब ये आपको इस तरह से देखिए, ये जो लिक्विड की ये कंसिस्टेंसी लगे, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, इस तरह की कंसिस्टेंसी लगे तो आप इसको 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दें। तो अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देती हूँ। ये देखिए, मैं फिर से आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूँ, बिल्कुल चिकना सा और बिल्कुल स्मूथ सा ये डो बन करके ये रेडी हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, ढक देते हैं। दूसरी तरफ मैंने लिया है एक कुकर, कुकर को मैंने गैस पे टिका दिया है, और कुकर के अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। तो बस इतना पानी, कुकर के तले में मैंने पानी डाल दिया है। पानी को थोड़ा सा सिम गैस पे गरम कर लेते हैं। तो मैंने गैस का फ्लेम सिम कर दिया है और पानी को गरम होने देते हैं। और जब तक पानी गरम होता है, तब तक हम इस जो ये मैंने बर्तन लिया है, इसको थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। तो ये बर्तन है और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा घी। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच घी, और ब्रश की सहायता से इसको मैं चिकना कर लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो, इसको मैंने इस तरह से हाथों से चिकना कर दिया है, और ये नीचे से चिकना है। अब जो हमारे पास में हमने जो मावा है तैयार किया हुआ है, इसके क्लोई बना लेते हैं। तो पहले हाथों को चिकना करेंगे, और ये देखिए अब टाइट सा हो गया ना, क्योंकि जब 5-10 मिनट हो जाते हैं ना इसकी, तो ये बिल्कुल ऐसे टाइट सा हो जाता है। तब क्या करेंगे, थोड़े से हाथों पर घी लगाएंगे और इस तरह से हम हाथों में लेंगे इसको। और अब आप देख सकते हो, ये बिल्कुल चिकना ऐसे डो हो रहा है। इसी तरह का तो हमें डो चाहिए ना। तो ये कितना बढ़िया सॉफ्ट सा, इतना बढ़िया लग रहा है ना कि आप मत पूछिए ना। तो ये इस तरह से हो गया है। अब इसको मैं पूरा जो है बैटर सारा उतार लेते हैं और इसी तरह से बना लेते हैं। बैटर को चम्मच से भी उतार लेंगे हम सारे बैटर्स को, और एक लोई सी बना लेंगे, गोल गोल सारे बैटर्स की लोई सी बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे बैटर को उतार करके और इसके अच्छे से लोई सी बना लिए, चिकनी चिकनी, ठीक है। अब आप इस लोई को जो हमने बाउल लिया है, जो चिकना किया हुआ है, इसके ऊपर हम यहाँ पे रख देंगे। और थोड़ा आप इस तरह से चम्मच की सहायता से इसको फैला दीजिए। चम्मच को थोड़ा सा चिकना करेंगे, तो मैंने चम्मच को घी से चिकना कर लिया है और इस तरह से इसको फैला देंगे, क्योंकि जितनी मोटी परत होगी ना, उतना ही थोड़ा मावा तैयार होने में टाइम लगेगा। तो बीच से इसका जो परत है उसको थोड़ा पतला कर देते हैं। और आप देख सकते हो, इस तरह से मैंने इसको फैला दिया है बीच से। बीच से आप बिल्कुल थोड़ा पतला कर लें और साइड से इसको मोटा होने दें। तो आप इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। अब
देख सकते हैं इस तरह से मैंने जो पूरा मावा था वो इसके अंदर नीचे तले में लगा दिया है। कुकर के तले में ये स्टैंड लगा देंगे और चूंकि पानी गर्म हो रहा है तो इसके ऊपर हम इसको रख देंगे और कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक लो टू मीडियम गैस पे पकाएंगे। कुकर की विसिल को मैंने निकाल दिया है और इस तरह से इसको लॉक कर देते हैं। 15 से 20 मिनट तक इसको हम स्लो टू मीडियम गैस पे पका लेते हैं। तो लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए और मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। वाव, बहुत बढ़िया मावा बनकर के तैयार है और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस नाइफ की हेल्प से मैं इसको चेक कर लेती हूँ। सेंटर के अंदर देखिए नाइफ को डालेंगे फिर निकालेंगे। बिल्कुल क्लीन आ रहा है नाइफ, मतलब ये अच्छी तरह से पक चुका है आपका मावा, बिल्कुल आप देख सकते हो। तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं फिर इसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मावा भी थोड़ा ठंडा हो गया है और लगभग 5 से 7 मिनट हो गए मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे नाइफ की हेल्प से बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से इसके कॉर्नर्स आप देख सकते हो, कॉर्नर्स भी इसने छोड़ दिए हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा कॉर्नर्स को लूज कर लेती हूँ। कॉर्नर्स को लूज कर लिया है। अब मैंने ये एक प्लेट लिया है और इस तरह से इसको इस पे लगाएंगे। इस तरह से इसको हम उल्टा कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया मावा बन करके तैयार हुआ है। मैं आपको इसको थोड़ा सा चक्कू से कट करके दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया, देखिए ये मावा जो है ना बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल जैसे मार्केट से लेके आते हैं ना, बिल्कुल वैसे मावा। और ये हमने कुकर में तैयार कर लिया है, न कुछ हलाने की ज़रूरत, न कोई दूध को गाढ़ा करने की ज़रूरत, इंस्टेंट आप मावा तैयार कर सकते हो। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आप मावा बनाएं, किसी भी मिठाई में आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसको ग्रेट करूंगी और ग्रेट करने के बाद हम इसको बेसन के लड्डू के अंदर इंसर्ट करेंगे और लड्डू बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, थैंक यू, प्लीज़ लाइक माई न्यू रेसिपी, थैंक यू।